बोर्ड कैंडिडेट्स 2023 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12। सबसे पहले तो माफी चाहूंगा कि इस तरीके से वीडियो बनाकर दे रहा हूं, तो मैं अपने सेटअप से दूर हूं, बट जो न्यूज़ आई है आप सभी के लिए, मेरे जितने भी भाई बहन है क्लास 10 12 के लिए, बहुत ही बड़ी है। इसमें फ़ायदे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और फ़ायदे की चीज़ें शायद हमें मिस नहीं करनी चाहिए। फ़ायदे की चीज़ें हम लोगों को बोर्ड एग्जाम में मिले तो हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। फॉर बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12, दोज हु आर आस्किंग अबाउट एडिशनल सब्जेक्ट, कि हम अगर फेल होते हैं या किसी भी सब्जेक्ट में हमारा कम नंबर होता है, तो भैया हमारा सिक्स्थ सब्जेक्ट हो गया, जैसे कंप्यूटर हो गया, आई टी का पेपर हो गया, अदर जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक कोई भी सिक्स्थ सब्जेक्ट, और अगर आपके पास वो सब्जेक्ट्स नहीं है तो इनकेस आपको CBSE क्या दे सकती है, बेनिफिट टू पास द बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो प्लीज़ दिल थाम के बैठ जाइए, थोड़ा वक्त मुझे दे दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और सब कुछ एक्सप्लेन आपको करूँगा। और अगर आपको लगे कि भैया आपकी हेल्प कर रहे हैं हर चीज़ों के को लेकर, तो मेक श्योर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके भैया को, और आपको ज़रूरत है ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स की। अल्लाह भगवान जीसस जिसको भी मानते हैं ना, रोज़ सुबह उठकर याद करो आपका बोर्ड एग्जाम है, इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर होगा। तो एक बार आप लोग ज़रूर से ज़रूर प्रे करा कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, लाइफ में तो अप्स एंड डाउन्स रहती ही है, बोर्ड एग्ज़ाम है भाई लाइफ का एक ऐसा ट्रैक जहाँ पर हम लोगों को काफ़ी आगे लेकर जाएगा, और इसमें हमारे माता पिता का सहयोग काफ़ी ज़्यादा होता है। इतने दिन से पढ़ाना, आपको यहाँ तक लाना, आपके लिए दिन रात एक कर देना, साथ साथ आपके मॉम डैड, अभी आप देख रहे होंगे कि आप जितने ज़्यादा चिंतित हैं उतने ज़्यादा आपकी मॉम होंगी, आपके डैड होंगे कि मेरा बेटा कैसा एग्ज़ाम देगा, क्या करेगा, ठीक है। तो प्लीज़ खुद के लिए नहीं तो माँ बाप के लिए तो कर ही सकते हो। वेल, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एज़ पर CBSE ऑफिशियल सर्कुलर मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, एज़ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्कीम फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ स्कूल ऑफरिंग वोकेशनल सब्जेक्ट एज कंपलसरी सब्जेक्ट अंडर द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन। अब इसके बारे में मैं बताऊँगा, ये क्लास 10th के लिए दिखाया जा रहा है एज वेल एज क्लास 12th के लिए भी है, हालांकि यहाँ पे अपग्रेडेशन नहीं देखने को मिली है, बट क्लास 12th के लिए भी है 100% श्योर। और अगर आपके पास ये सब्जेक्ट नहीं है तो भी मैं बता देता हूँ कि बोर्ड्स आपको कैसे मार्किंग करने वाली है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ अ कैंडिडेट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ अ कैंडिडेट्स फेल इन एनी ऑफ द थ्री इलेक्टिव सब्जेक्ट सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, दे विल बी रिप्लेस्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे दे विल बी रिप्लेस्ड एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट एज अ सिक्स्थ सब्जेक्ट एडिशनल CBSE सर्कुलर सेड। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि आखिर हेल्प कैसे करता है, कहाँ से करता है, और इसके मार्क्स आपको एग्जैक्टली किस तरीके से मिलते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो तो इस एप्लीकेशन को जरूर यूज़ कर लेना, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सलूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें विथ 3 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले आपको इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, आपके अपने खुद के मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेना है, अपना कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो उस क्वेश्चन का पिक्चर ले लेना है या फिर टेक्स्ट करके उसे सबमिट कर देना है। फिलो ऐप आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ, जहां पर 60 सेकेंड के अंदर आपको मिलेगा आपको सल्यूशन। उसी में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220, तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। के साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये एक इतने सिंपल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर बोर्ड्स आ रहे हैं आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा लें। तो इट्स दैट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन आस्क फिलो। You can also download this application using our QR code. So hurry up, get benefit now. ये जो सिक्स्थ सब्जेक्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट का कंप्यूटर एप्लीकेशन है, बहुत सारे सब्जेक्ट का संस्कृत है, बहुत सारे लोगों का ड्राइंग है, उड़िया सब्जेक्ट है, मराठी है, जिस भी सब्जेक्ट में है आपके, अगर साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इन तीनों इलेक्टिव सब्जेक्ट में अगर आप किसी सब्जेक्ट में रह जाते हो, या इंग्लिश भी है इसमें, अगर इन तीन या चार सब्जेक्ट में, मान लो चलो फॉर एन एग्जाम्पल मैं मैथमेटिक्स में पास नहीं हो पाया, ठीक है ना, मेरा मैथ्स में क्या हुआ कि मेरा 0 मार्क्स आया फॉर एन एग्जाम्पल, वहीं आपने एडिशनल सब्जेक्ट जो है आपका, फॉर एन एग्जाम्पल आपका कंप्यूटर है तो उसमें आपने 80 में से ऑलमोस्ट स्कोर कर लिया 50, ठीक है, तो आप तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में 80 आ गई, आप तो फेल हो रहे हैं ना मैथ्स में। तो ये वाला जो सब्जेक्ट है, जैसा कि आपको यहाँ पर 0 मिला हुआ है,
ये 50 वाला मार्क्स यहाँ पे चला जाता है और ये जीरो वाला मार्क्स यहाँ पे रिप्लेस होकर यहाँ पे आपको जीरो दे दिया जाता है, विच मीन्स ये रिप्लेस कर देता है। अब जिनके पास सिक्स्थ सब्जेक्ट नहीं है उनका क्या होगा? हे राम, हे कृष्ण, या अल्लाह, हे भगवान, हमारा क्या होगा? हमारा तो सिक्स्थ सब्जेक्ट नहीं है भैया, इसका मतलब मैं तो पास नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बोर्ड्स ने हर एक चीज़ का हर एक उपाय बना रखा है ऑलरेडी। तो CBSE का जो सिक्स्थ सब्जेक्ट स्टूडेंट का नहीं होता है उनके लिए बेसिकली उनका बेस्ट ऑफ थ्री लिया जाता है। बेस्ट ऑफ थ्री विच मीन्स कि आपके अगर आपने हिंदी एग्ज़ाम अच्छा दिया है, इंग्लिश अच्छा दिया है, साइंस अच्छा दिया है, बाकी आपके दो सब्जेक्ट्स ख़राब भी हैं, यू विल बी कंसिडर्ड एज अंडर बेस्ट परफॉर्मेंस। मतलब आपने ट्राई किया है, ट्रायल पे आप हैं, आपने अपनी एफर्ट दिखाई है, तो भी बोर्ड्स की तरफ से आपको मार्क्स दिए जाते हैं टू पास। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर ना, आपके पास जो है क्लास टेंथ, आपके पास ये सब 20 मार्क्स हैं एक्स्ट्रा, जहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल नहीं हो सकते। 20 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं आपके प्रोजेक्ट्स के मार्क्स, जो कि 100% ऐड होते हैं, परसेंटेज बढ़ाते हैं और आपको पास होने में हेल्प करते हैं। तो ऐसा है, ऊपर से आपको पता है मॉडरेशन पॉलिसी लग रही है, मॉडरेशन के ऊपर अपग्रेडेशन है। मॉडरेशन मीन्स आपके मार्क्स को मॉडरेट करना, उसमें चेंजेस लाना। और बोर्ड्स किसी भी बच्चे का फ्यूचर के साथ कभी भी मजाक नहीं करती, हमेशा याद रखना कि किसी भी बोर्ड्स कभी भी बच्चों के फ्यूचर के साथ भी लाइटली नहीं लेती है। सो हियर आई एम एंडिंग दिस वीडियो, एंड जितनी भी प्यार एंड सपोर्ट आप लोगों की तरफ से चाहूँगा तो आप जरूर देना। इतनी प्यारी वीडियो आपको दे रहा हूँ, आप रिलैक्स हो रहे होंगे, तो मेक श्योर आपके पास नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ठीक पास करोगे, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।